वो देखकर मुझे मेरा दिल काफी ना भर आया, और यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। शादी हो गई, आप भी शादी करो, आपको भी ज्यादा मिलेगी। मामा का नाम लिया तो लड़ाई हो जाएगी। ना लिया तो लड़ाई हो जाएगी। किसको किया मेरे पापा जी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। हमारे यहां पे ईद आज थी, आपके एक दिन बाद। पाकिस्तान में एक दिन पहले थी और हमारे एक दिन बाद है। हमारे 30 रोज़े हुए और आपके 29 हुए। तो आज मैं बैठा था, भाई थोड़ा निकले थे यहाँ पर ईद नमाज के लिए, तो बहुत कम गैदरिंग थी जहाँ पर ईद नमाज पढ़ी गई। तो मैंने सोचा चले मैं घर भी कॉल करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पे थोड़ा सा वो अलोन फीलिंग उसको किल करने के लिए घर में कॉल करना ज़रूरी था। तो मैंने फिर उससे पहले मैंने इकरा की वीडियो देखी, जिसमें वो मुझे याद करके थोड़ा सा उसने रोया भी है। तो वो मुझे ज़रा वो देख कर मुझे मेरा दिल काफ़ी इतना भर आया। सबसे पहले मैंने उसको कॉल की है, तो वो उसको मैंने ईदी भी भेजी थी, तो वो उसे पूछा तो वो उसको मिल गई थी, तो उसने थैंक यू बोला। तो उसे फिर बातचीत करके थोड़ा सा को 5 से 7 मिनट बात की, ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दूँ और ख़ुद भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि बच्चों के बिना या फैमिली के बिना यहाँ पे अकेले ईद मेरी बहुत टाइम के बाद, मतलब कि बड़े अरसे मैंने कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि कभी ईद जो है ना ऐसा फैमिली से बाहर अकेले गुजारी हो। तो यहाँ पर तो वैसे भी थोड़ा सा लोनलीनेस ज़्यादा फील होता है, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा अपने कामों में बिजी है। यहाँ पर तो वीकेंड भी नहीं है और वर्किंग डेज हैं, तो यहाँ पे वो ईद का वो कोई वो गेमा गेमी नहीं होती कोई भी, मतलब कि हम किसी कोई रिलेटिव हों या किसी की तरफ चलें, बस हम चंद दोस्त हैं उनके साथ बैठना उठना होता रहा ऐसा। तो आज उनकी भी वर्किंग डे है, तो वो सब अपने जॉब पे चले गए, तो उनका वो ये नहीं है कि वो अपना ईद का हम सेलिब्रेट करें घर रहें या उनको कोई ऑफ मिल जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि ये ऑफ अमूमन नहीं देते, क्योंकि इनको वो होता है कि इनका त्यौहार हो तो फिर है जब इनकी सेलिब्रेशन होती है। मैंने फिर घर कॉल की और घर बच्चों से बात की, उनको मतलब घर से कॉल आ गई थी मुझको कि आपने जब हमें ईदी नहीं भेजी। मैंने कहा जी अपने अकाउंट चेक करें और उसमें देखें कि आपको मैंने ईदी भेजी है कि नहीं भेजी। तो वो फिर उन्होंने चेक किया, तो थैंक यू बोला उन्होंने। तो उनकी भी सारी वो आप देखिएगा कैसे मेरी बात उनसे हुई है। बाकी ये है कि फैमिली के बिना और बच्चों के बगैर ज़्यादा मैं बच्चों को मिस करता हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मेरा ना काफ़ी वो फ्रेंडली एक सिस्टम है, उनके साथ ही रहा हूँ। ईद पे जब जैसे हर ईद पे त्यौहार है, आप देखा होगा कि हमारी वो एक शूटिंग हो रही होती है, पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं, और बाहर वो फिर कोई रिश्तेदार मेहमान आ रहे होते हैं उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त और सारा वो पूरा ना, तो अच्छा सेलिब्रेशन हो जाती है। और दावतें चल रही होती ना ईद पे, पहले दिन ईद पे किसने हमारे घर आना है, फिर हमने दूसरे किसी की तरफ जाना है, इस तरह 2-3 दिन ऐसे बिजी हो जाते हैं। और यहाँ पर तो आपको पता है कि कुछ नहीं है, तो इसी तरह बस ईद का जो दिन है ये गुजर रहा है। अभी तो मतलब कि अभी मैं ईद का बैठा हूँ घर, मैंने कहा चले मैं कॉल करता हूँ। वीडियो देखने के बाद मेरा ना काफ़ी वो फीलिंग चेंज हो गई थी। तो गाइस ईद पर हमने पापा को कॉल करनी थी, क्योंकि अब जाकर उनकी सुबह हुई है, हमारी जब रात हुई है, तो हम पापा को कॉल करने लगे, उनको ईद मुबारक वगैरह बोलेंगे, उनसे ईदी वगैरह मांगेंगे। चलो मामा करो कॉल पापा को। मुझे तो ईद मिल गई है, मैंने तो नहीं मांगी। मामा आप करें कॉल, बड़ी चला के आप करें बच्चों की सिफारिश करने के लिए ईद करने लगे कि ईद क्यों नहीं भेजी। हाँ डांटे उनकी तो अभी ईद हुई, आपने डांटना क्यों? बस कहते हैं लोग पहले भेजते हैं ना उनको, उन्होंने ईद वाले दिन ही भेजनी थी, पता नहीं था एक दिन पहले भेजो। हमेशा पापा ईद पे भेज देते हैं, पापा कहते हैं पहले ईद पे तैयार होके दिखाओ फिर ईदी मिलेगी। आप कॉल तो करें, तैयार हो के कपड़े बदल भी है, हम दोनों ने इसलिए नहीं बदले तो हम दोनों की ईदी मिलेगी। मुझे ईदी चाहिए पापा, पापा फिर भी दे देंगे हमें ऐसे ईदी। ये लो जी पापा ने फोन उठा लिया। हेलो, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मम्मा तो बड़ी खुश हो जाती है। हमारे यहाँ पे सोने का टाइम हो गया और पापा की अब जाके ईद हुई है। पापा जी आपकी? पापा बड़ा टेंशन टाइट होके बैठे हुए हैं। पापा जी हमारी ईद खत्म हो गई, ईदी ईदी पापा ईदी भेजे दी नहीं, मामा की मिली है बस। मैंने तो दे दी है, रबिया को भी दी है, जैनब को भी दी है, सबको दे दी। मामा ने बहुत अच्छी ईदी दी है। मैंने इनको कहा है पापा नहीं भी दे रहे तो क्या है, मैंने तो दे दी है ना। पापा दे, हमें ईदी चाहिए। नहीं भेजे,
भेजे पापा ने लेके अपना अकाउंट चेक कर जल्दी। हाँ अकाउंट में देखो जल्दी से पैसे निकालो, दिखाओ हीरापी देखो सारे देखो अकाउंट में सारे देखो। मैं तो छूट में पहले हीरापी दे दी कितनी आई है मुझे बताओ मैं भी देखती हूँ अपनी। अच्छा पापा ने सरप्राइज दिए अभी पता चल जाता है अभी पता चल जाता है। जानू कह रही मेरा भी देख ला तो मुझे आगे अपना मिल गई है मिल गई है कितनी आई है क्यों मैं ये मेरी दी है कितनी आई है 50,000 ओ 50 वाह थैंक यू मैं अपनी देखती हूँ रुको जरा मुझे भी मिली है 50,000 वाह पापा आई लव यू पापा ने पार्टी मेरी भी 50,000 ही आई है मैंने देख ली है। आप ही को कितनी आई होगी उससे पूछना पड़ेगा आप ही को कितनी भेजी है 10,000 आपने भी ऐसे किया 1,00,000 ओ, ओ, पापा ने गलत बात है मैं भी तो बड़ी हूँ मुझे भी इतने ही मिलने चाहिए गलत बात शादी हो गई आप भी शादी करो आपको भी ज्यादा मिलेगी ये क्या बात हुई अच्छा 1,00,000 थोड़ा सा करीब करीब भेज देते लाख के हिराबी को 80 तक भेज देते 5 हाँ डबल दिया पापा ने पापा चले कोई नहीं जितनी चलो कोई नहीं तुम लोग भी शादी करवा लो तो लाख लाख मिल जाएगी। थैंक यू पापा जी थैंक यू पापा इधर आ जाते तो ईदी तो बड़ी अच्छी हो जाती। पापा ने किसके साथ ईद गुजारी है पापा जी किसके साथ आपकी ईद गुजरी है मम्मा पापा बताए मामा सो गई है बाबा जी सोई हुई है वो सुबह देखेगी आए मेरे ये है ना इससे बातें करें मोटी पापा से। आपको मेरे से ईदी चाहिए मैं भी कल फ्लाइट बुक कराता हूँ आ रही हूँ आपके पास ये सारे हमारे आपके पास पैकेज दी ला रही है इतनी ईदी भेजनी थी कि हम लोग आपके पास आ जाए पापा ने तो वो आप इंजॉय करें हमने आपको बहुत याद किया सारा यस मम्मा ने स्पेशली खाली खाली घर लग रहा था आज मामू भी आए थे सबसे ज्यादा मिस किसने किया पापा मैंने और मैं कहाँ गई आपने किसको किया ये तो सियासी जवाब दिया पापा डिप्लोमेटिक आंसर जिसको सबसे ज्यादा याद किया वो बताएं पापा ज़ैनब फैसल मम्मा सुनना चाह रही है उनका बोले आप और अगर पापा ने ना बोला तो पापा की फिर भी शामत ही मम्मा ने भी शामत लगानी है मेरा बोलते नहीं होगी आपकी शामत सोचे मम्मा के नाम लिया तो लड़ाई हो जाएगी ना लिया तो लड़ाई हो जाएगी किसको किया मिस पापा जी सबको बड़े सियासी हो रहे हैं पापा जी आपको मैं देख रहा हूँ अच्छा ओ गलत बात आपके पापा को याद करके रोई है थी। मेरे भी दिल में आंसू आए थे पापा जी कौन से दिल में आंसू आए थे दिल है जो रोया था मैंने पापा को विश भी किया था ना मैसेज पे सो रहे थे पापा ने मुझे किया था इस बार मैंने भी कहा था ये खैर मुबारक कुकी और पापा ने एटीट्यूड से लाइक पे छोड़ दिया पापा आज के लाइक पे छोड़े मैसेज चलो आप इंजॉय करें पिक्चर्स भेजे अपनी शलवार कमीज में हेलो लेके नहीं गया तो था गिफ्ट वो सिलवाया नहीं आज मेरा ऊपर बैठा था सीधा उधर दर्जी है ही नहीं मामा नहीं टेलर नहीं होता पापा फ्लाइट बुक कराए बस मैं आ रही हूँ आपके मैं सिलाई कर दूंगी कर देता हूँ आप बुलाने वाले तो बता यार आ जाता हूँ खाने में बिरयानी खीर सेवैया खीर पापा जी बहुत हमारी खीर नहीं मिस की बनाई भी थी और खा भी ली आपको याद करके आपकी प्लेट बना के हमने खुद ही खा ली थी ये ले खा ले पापा ना शेर की तरह खा रहे किस कैसी लगी खीर पापा बोलते नमक कम है मीठा कम है तो वही बात होगी मेरे दानू ने थाना थाया हीरा ने हमारी खीर में नमक डाल दिया था हवा थी फीकी खीर थी मामू मेरी अम्मी आई थी मेरी भाभी आई थी सारे बच्चे आए थे ईद देख गए मुझे ईद देख गए क्या बात लेजेंडरी सारे बच्चों को दी है मैंने थेरेपी भी आई थी बड़ा मजा आया हमें शूट करवाया 50,000 हजम नहीं हो रहा सर और तुम कैमरा छोड़ के इंसान मदद कर देते हैं कैमरा ऊपर ला रही है कि सर फट जाए जैनब का कैमरे में कैप्चर हो जाए
अच्छा मैं भी कर रहा था मिस पापा, अब मैं भी मिस कर रही थी पापा जी, ये कोई नहीं कर रही थी, मैं भी कर रही थी, ये लोग नहीं कर रही थी, झूठ बोल रही। पापा के ख्वाब में कौन आता है? मैं। पापा के ख्वाब में कौन आता है पापा जी? ख्वाबलेस मेरी न्यू इंग्लिश आई है। चलो पापा को पापा एंजॉय करो अपनी जिंदगी और जहाँ भी हो। ओके बाय। ओके ओके बाय बाय। फिर हैप्पी ईद मुबारक। बाय बाय। यो 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 चलो बाय बाय। ओके बाय। तो मैंने अभी घर भी जो बात की है उनको ईदी शादी ईदी वगैरह उनको दी, ईदी लेकर वो सारे हैप्पी हैं, खुश हैं और मुझे थैंक यू बोला। और फिर वो वही कर रहे थे कि आप या हमें बुलवा लें या आप आ जाएं। तो वो ऐसा तो अभी थोड़ा मुमकिन नहीं है कि भाई जल्दी से उनके साथ पास बैठ के ईद की जाए, क्योंकि हज़ारों मील का फासला आपको पता है। तो यहाँ पे तो अलोन जब कोई भी इंसान रहता है ना, तो उसके लिए ईद यहाँ पे कोई त्यौहार वो कुछ नहीं होते। वो ये सारी चीज़ें आपके गेट टुगेदर, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त अहबाब, आपके कोई रिश्तेदार या जो भी आपके गिर्द आपके लोग होते हैं, जैसे हमसायगी होती है या जैसे आपके जो कम्यूनिटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ आपकी सेलिब्रेशन होती है। हम जाते हैं उनसे मिलते हैं और फिर सारा एक सेलिब्रेशन होती है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि यहाँ पे तो खैर इनके अपने त्यौहार होते हैं तो फिर इनकी सेलिब्रेशन कुछ और होती है, लेकिन इनके साथ हमारा वो उस तरह का नहीं है कि हम इनके सेलिब्रेशन में खुद जाएं। यानी कि ऑफ तो दे देते हैं कि हम घर होते हैं, लेकिन इनके सेलिब्रेशन पे वहाँ पे जाना और वहाँ पे वो तो ये आउटिंग ही होती है बाहर की दुनिया की, लेकिन थोड़ा सा वो डिवाइडेशन होती है माइंड की। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है आपकी जो घर और फैमिली और उनके साथ एक आपका जो बॉन्डिंग होती है ना, उससे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो फिर मिसिंग होती है जब आप अलोन होते हैं। तो यहाँ पे आके तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फील हुई। रमज़ान भी जैसे गुजरा, रमज़ान में भी काफ़ी चीज़ें थी जो अकेले करनी पड़ी, खाना बनाना, उसके अलावा अपने पूरे सारे काम खुद से करने। तो इसी तरह जो है ना वक्त आके जो है ना वो फिर चलता रहता है, लेकिन अपने माइंड को जो कंट्रोल करना, यहाँ पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फीलिंग आती है, क्योंकि टाइम होता है आपका उनके साथ ना, बच्चों के साथ। अब जैसे ज़ैनब है वो हंस खेल रही है, अब राबिया है वो, उसने सबके मैसेज आए, सबने कहा कि हमने ईद मुबारक का बोला, मैंने बोला सबको, तो वो एक होता है कि चलें थोड़ा सा गपशप हो जाए। तो लेकिन वो ये होता है कि जो लोग आपसे जुड़े होते हैं वो आपसे रابطہ भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं और आपसे वो सेलिब्रेशन की जो है ना वो मुबारकबाद देते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैंने सेलिब्रेशन की जो है ना वो की है और उनको भेजे हैं मैंने मुबारकबाद के जो मैसेज भेजे हैं, तो उनकी तरफ से बड़े अच्छी यानी कि रिस्पांस मिला और सारे हैप्पी हैं। एक दो लोगों से कॉल्स पे बात भी हुई है, लेकिन बहुत शॉर्टली। मेन था कि फैमिली को लेकर बच्चे जो थे ना, वो मैंने वीडियो देखी उसमें वो इकरा का जो था ना वो दिल भराना, वो मुझे तो मैं तो काफ़ी देर कंट्रोल ही नहीं कर सका ना वहाँ। मैंने 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल शांत मतलब कि खामोश होकर बैठ गया था, क्योंकि मुझे नहीं समझ आई थी मे बी कि ऐसा क्यों उसको हुआ, क्योंकि उसके सारे शादी करके अपने घर चली गई है और वहाँ पे जाकर उसका फीलिंग, उसकी बच्चों की फीलिंग जब माँ बाप के घर से चली जाती है ना तो वो पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो वो मैंने देखा है, पहले भी उनके साथ मेरा बड़ी अच्छी लगाव बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन अपने घर जाके जब अब अपने घर चली गई है, अब उसकी रियल लाइफ शुरू हो गई है अपने सिस्टम को लेकर, लेकिन अपने माँ बाप के साथ उसकी जो जुड़ाव है वो आप समझते हैं कि बेटियों का कैसे उनका वो होता है। तो बहरहाल मैं कुछ लफ्ज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या बयान नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे ना वो बोलने में थोड़ी सी वो हो रही है, क्योंकि मेरा दिल इस टाइम भरा हुआ है, तो मैं शायद मैं भी पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठा हूँ। तो ये चीज़ें बस आपको पता है कि बिंग द टाइम चलती हैं, लाइफ का जो चक्कर होता है उसको समझना पड़ता है, ये ज़िंदगी कैसे कहाँ पर क्या कुछ करवाती है। आज का दिन बड़ा लगा है, तो हैप्पी डे है, लेकिन बात करके थोड़ा सा बच्चों से हल्का हो गया हूँ, तो वो ऐसा ही है बस। इसके साथ मुझे डॉक्टर फैसल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अगेन आपको फिर सबको, मेरे सब जानने वालों को, सब दोस्तों को, सब रिश्तेदारों को और जो भी मुझे लोग देखते हैं सबको अगेन ईद मुबारक। चलें इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।